विपक्षी दलों की बैठक बिहार में खत्म हो गई, लेकिन बिहार की सियासत अब भी जारी है। लालू यादव ने राहुल गांधी की शादी की बात छेड़ी तो बीजेपी ने लालू के साथ साथ राहुल गांधी पर भी तंज कसा। दरअसल बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कहा कि विपक्षी दलों की बैठक का मुख्य एजेंडा राहुल गांधी की शादी पर था। इसके साथ ही शिमला में होने वाली अगली बैठक जो कि 10 या 12 जुलाई को होगी, उस पर तंज कसते हुए सम्राट चौधरी ने कहा कि क्या शिमला में हनीमून मनाने जा रहे हैं। गुलाब जामुन खाने से, लिट्टी खाने से अनोखा चीज मिला होगा ना। दूसरे जगह सत्तू अंदर कैसे भराता है, तो बिहार में भराता है। तो लालू जी बताए होंगे तरीका जो उनको याद होगा कि इसी तरह लिट्टी बनाया जाता है। शादी करना चाहिए राहुल गांधी की को, यही है बैठक का एजेंडा। लालू जी, नीतीश जी और ममता दीदी बिना कोई एजेंडे का कह दी सब साथ हैं। जो बोलेगा बीजेपी उसका खिलाफ करेंगे, ये तो विरोधी का ही काम है। इसमें क्या नया हुआ? चाय नाश्ता किया लोगों ने, अच्छा किया, लेकिन हमको दुख है कि नीतीश बाबू को कुछ नहीं किया। 12 को फिर बैठक होने की चर्चा। अरे बार शिमला में हनीमून थोड़े मनाने जाना है भाई। सम्राट चौधरी ने आगे कहा कि विपक्षी दलों के नेताओं को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से लिखवा कर ले लेना चाहिए कि आज उनके साथ बैठक हुई है, नहीं तो वो मेमोरी लॉस के शिकार हैं, भूल जाएंगे। लिखना ही चाहिए क्योंकि नीतीश बाबू ऐसे नेता है, उनसे तो इन लोगों को लिखवा के लेना पड़ेगा कि बैठक हम किए थे, क्योंकि थोड़ा देर के बाद भुला भी जाएंगे। मेमोरी लॉस सीएम हमारे यहाँ हो चुके हैं, और मुख्यमंत्री जी तो स्वयं को घोषित कर चुके हैं कि हम प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हैं और प्रधानमंत्री बन चुके हैं, तो बेकार का बैठक। सम्राट चौधरी ने आगे कहा कि सभी भ्रष्टाचारी एक साथ मिल गए हैं, इन लोगों को पता ही नहीं है कि मुख्य चेहरा आखिर कौन होगा, क्योंकि सबको पीएम बनना है। देखिए एक चीज समझ लिए, एक दूसरे को टोपी पहना रहे और शायद कुछ है नहीं। भारत की राजनीति में ये ठग्स ऑफ गठबंधन है, ये पूरे हिंदुस्तान को मूर्ख बनाने का तैयारी कर रहे हैं। आप समझिए कोई नीति सिद्धांत किसी का नहीं है, सारे भ्रष्टाचारी मिल रहे हैं, सब भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। नीतीश कुमार जी को अपना मॉडल दिखाना चाहिए, सुल्तानगंज ले चल के मैं व्यवस्था कर देता हूँ, किस तरह पुल ध्वस्त होता है ये भी दिखाना चाहिए नीतीश बाबू। और इन लोगों को पता ही नहीं है कि चेहरा कौन है, कौन आगे रहेगा कौन पीछे रहेगा। ये सारे के मन में लड्डू फूटा है कि प्रधानमंत्री के उम्मीदवार बन जाए, इससे अधिक कुछ नहीं है। ये सारे लोग सपना देखने के लिए पटना आए हैं। बता दें बीते दिनों विपक्षी दलों की महाबैठक हुई, इस महाबैठक में 15 दलों के 27 नेता शामिल हुए। अब अगली बैठक शिमला में 10 या 12 जुलाई को होगी, जिसकी जानकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी गई। अब देखना अहम होगा कि शिमला में हुए इस बैठक के आखिर क्या नतीजे सामने आते हैं।